ओके, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉब्लम, मेसर्स निशित प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2017 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ मिस्टर चन्मय चिन्मय विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। ओके, म्हणजे बिगिनिंग ऑफ द इयर क्या है, बिगिनिंग ऑफ द इयर है 1 अप्रैल 2017 एंड इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 अगस्त 2017। और यहाँ पर आगे ईयर एंड भी दिया हुआ है, 31 मार्च 2018 ये ईयर एंड है। ओके, तो तीन डेट हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल हो गया है, फर्स्ट डेट है बिगिनिंग ऑफ ईयर, नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन डेट एंड थर्ड ईयर एंड। तो ये तीन डेट्स यूज करके हम टाइम रेशो हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम टाइम रेशो निकाल लेते हैं। ओके, टाइम रेशो बिगिनिंग ऑफ डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 बिगिनिंग ऑफ ईयर है। ओके, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2017, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2017। ओके, एंड डेट ऑफ ईयर एंड 31 मार्च 2018। ओके, 31 मार्च 2018। ओके, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट द टाइम रेशो, जस्ट कैलकुलेट द पीरियड। ओके, तो पहले बिगिनिंग ऑफ ईयर टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाइंड आउट कर दो, तो वो हो जाएगा एक्चुअली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने आएगा, क्योंकि अगस्त आएगा वो नेक्स्ट पीरियड में जाएगा, वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, 1 अगस्त दिया है वो नेक्स्ट पीरियड में जाएगा, तो इसकी वजह से ये 4 महीने आएंगे प्री पीरियड में, और पोस्ट पीरियड में भी 8 महीने ही आएंगे लगता है। देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, 8 महीने आ रहा है, तो ये 8 महीने प्री में 4 महीने, पोस्ट में 8 महीने, तो टोटल आ रहा है एक्चुअली 4:8 रेशियो आएगा, तो टाइम रेशियो हमारा हो जाएगा 1:2। ओके, 4:8 मतलब टाइम रेशियो हो जाएगा 1:2। ओके, ये टाइम रेशियो हो गया, टाइम रेशियो हमारा आ गया एक्चुअली 1:2, ये आ गया हमारा टाइम रेशो। उसके बाद में ये सभी एक्सपेंसेस एक्चुअली प्रोवाइड किए हुए हैं, एक्सपेंसेस में देखिए ऑफिस सैलरी नॉर्मली कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, लेकिन वो उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो कन्फर्म नहीं है, वो हम जब एडजस्टमेंट देखेंगे तभी हमें फाइनलाइज होगा कि उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं या नहीं। ओके, पहले ऑफिस सैलरीज, टाइम रेशो, चिन्मय सैलरी, ये चिन्मय मतलब वो ये वेंडर है, तो इसकी वजह से ये प्री में जाएगी। ओके, एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो, ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशो, ऑफिस रेंट टाइम रेशो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशो, डायरेक्टर्स फी, ओके, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शेयर्स, डिबेंचर, डायरेक्टर्स, कंपनी फॉर्मेशन वी विल ट्रांसफर टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, देयरफॉर दिस डायरेक्टर्स फी वी विल ट्रांसफर टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, डायरेक्टर्स फी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, नेक्स्ट ऑडिटर फी टाइम रेशो, नेक्स्ट बैड डेब्ट्स सेल्स रेशो, कमीशन ऑन सेल्स सेल्स रेशो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिस इज कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस वी विल ट्रांसफर टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट दिस इज ऑल्सो वी विल ट्रांसफर टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी विल ट्रांसफर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी विल ट्रांसफर टू द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, बट समटाइम उस पर एक्चुअली एक एडजस्टमेंट रहती है एक्चुअली। ओके, तो अभी देखते हैं इस प्रॉब्लम में है कि एडजस्टमेंट, तो कभी एडजस्टमेंट रहेगी तो वो स्पेसिफिक रेशो में ट्रांसफर होती है एक्चुअली, देखते हैं कभी एडजस्टमेंट रहेगी तो स्पेसिफिक रेशो रहेगा, नहीं तो टाइम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन टाइम रेशो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट शेयर ट्रांसफर फी है 2000 रुपीज, वो भी एक्चुअली पोस्ट पीरियड में ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि रिलेटेड टू शेयर से। ओके, रिलेटेड टू शेयर से, इसकी वजह से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड आ जाएगी। ओके, अभी देखते हैं पहली एडजस्टमेंट देखते हैं। द टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹8 लाख अरोज इवनली पर मंथ अप टू 30 सितंबर 2017, मतलब 30 सितंबर 2017 तक वो एक्चुअली वो एवरेज है। ओके, वेयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 पर मंथ ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड। ओके, उसके बाद में उन्होंने इंक्रीज बोला, 2/3 पर मंथ इंक्रीज बोला है, जो ओरिजिनल था उससे 2/3 इंक्रीज हो गया।
ओके, तो ओरिजिनल का भी हमने 1 का भी कंसिडर किया तो उसके 2/3 इंक्रीज होगा। तो 2/3 इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे एक्चुअली। तो एक्चुअली सितंबर के बाद में, मतलब अक्टूबर के बाद में हम वो 2/3 इंक्रीज करके मेंशन करेंगे, और सितंबर तक हम मेंशन कर देंगे 1111 मेंशन कर देंगे। ओके, सभी हमें इस टाइप के एडजस्टमेंट में हमें सभी मंथ्स मेंशन करने पड़ेंगे, फर्स्ट मंथ टू द लास्ट मंथ, और जो जो सेल्स का रेशियो रहेगा वो हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। मतलब हर मंथ में कितना सेल्स रहेगा, 1 या 2/3 से इंक्रीज होकर जो आएगा वो रहेगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे और वो लिख देंगे, एक्चुअली निकाल देते हैं हम सेल्स रेशियो। ओके, तो सेल्स रेशियो निकालने के लिए अभी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। देखो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये पूरा एक्चुअली आ रहा है। तो पहले देखते हैं 1 से 2/3 इंक्रीज होकर कितना होगा, 1 से 2/3 इंक्रीज होकर कितना होगा वो पहले हम निकाल लेते हैं एक्चुअली। देखो ओरिजिनली 1 है, ओरिजिनली 1 रहेगा तो सितंबर तक सब जगह 1111 मेंशन कर दो, सितंबर एंडिंग तक। ओके, और उसके बाद में एक्चुअली इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो 1 × 2 / 3 मतलब एक्चुअली इतना आता है, हम कभी ऐसे निकाल लेंगे ना, एक मिनट ये बताता हूँ आपको। ओके, 1 + 2/3 तो इस जगह पर ना ये 1/1 है और 2/3 है, हमें कभी एडिशन कभी करना पड़ेगा तो हमें एक्चुअली डिनोमिनेटर हमें एक्चुअली इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए 1 को हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 × 3/1 × 3, तो इस हिसाब से आ जाएगा 3/3 हो जाएगा ये। ओके, 3/3 + 2/3 आ जाएगा। ओके, ऐसे हमारा आ जाएगा। ओके, तो हम इसको कभी हम टोटल कर देंगे तो 3 जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, 3 नीचे वैसे ही के वैसे रहेगा, और जो न्यूमरेटर है वो उसका प्लस हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5/3। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 5/3। ओके, तो ये जो है ना ये कैसे निकाला हमने, देखो एक बार कंफर्म कर लो, हमें उन्होंने क्या बताया कि जो ओरिजिनल है उससे 2/3 इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल हमने 1 कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने ओरिजिनल कितना लिखा है, ओरिजिनल हमने कितना लिखा है यहाँ पर 1 लिखा है, तो ओरिजिनल में 2/3 इंक्रीज हो गया, मतलब कितना 1 में 2/3 इंक्रीज हो रहा है, तो 1 में 2/3 इंक्रीज मतलब कितना होगा, इंक्रीज 1 + 2/3 of 1, तो 2/3 of 1 कितना रहेगा, 2/3 ही रहेगा। ओके, 2/3 of 1 कितना रहेगा, 2/3 ही रहेगा, इसकी वजह से 1 + 2/3 हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर अभी अभी देखोगे तो 1/1 + 2/3 है, तो न्यूमेरेटर और डिनोमेरेटर ऐसे एक्चुअली है, तो डिनोमेरेटर रहता है वो हमें इक्वल चाहिए तभी हम एक्चुअली उसका एक्चुअली एडिशन कर सकते हैं, तो इसकी वजह से डिनोमेरेटर हमें इक्वल करने के लिए 1 को हमने 3/3 से मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आ जाएगा 3/3। ओके, 3/3 + 2/3, अभी डिनोमेरेटर हमारा इक्वल हो गया, तो अभी 3/3 + 2/3 इसका हम एडिशन हम कर सकते हैं, तो जो न्यूमेरेटर है वो हम वैसे लिखेंगे, 3 as it is 3 मेंशन कर देंगे, और जो न्यूमेरेटर है उनका हम टोटल कर देंगे, 3 + 2 = 5 आ गया, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 5/3। ओके, तो हमारा यहाँ पर अभी हमारा एडिशन होकर कितना हो जाएगा, 5/3। अभी 5/3 मतलब इतना ही है एक्चुअली, ये जो लिखा है ना वही आएगा एक्चुअली। देखो 5/3 मतलब वही है एक्चुअली, 1 ये ओरिजिनल 1 है उसमें 2/3 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया ये 2/3 इंक्रीज करके ये ऐसे आ गया। ओके, 1.67। ओके, ओके, तो अभी हम स्प्लिटिंग पॉइंट अभी मेंशन कर देंगे। स्प्लिटिंग पॉइंट हमारा क्या है, स्प्लिटिंग पॉइंट हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो 1 अगस्त है, तो अगस्त मंथ है वो एक्चुअली पोस्ट में चला जाएगा, अगस्त मंथ है वो पोस्ट में, अगस्त पोस्ट में चला जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा आ जाएगा। ओके, अगस्त मंथ पोस्ट में चला जाएगा, तो प्री का टोटल हो जाएगा 4, 1111, ये 4 टोटल हो जाएगा, और यहाँ पर इसका टोटल कर दो 1.67 × कितने मंथ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 6, ओके, तो वो आ रहा है 10।
और ये दो है और, ओके तो टोटल हो जाएगा 12। मतलब यहाँ पर रेशियो आ रहा है 4:2, रेशियो आ रहा है ये 4:12, मतलब ये कितना है, 4:12 मतलब कितना आएगा, 1:3, ओके 4:12 मतलब कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, ओके 1:3 हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा। पहले कितना दिया हुआ है हमें, 4:12 मतलब हो जाएगा वो 1:3, तो हमारा सेल्स रेशियो यहाँ पर, यहाँ पर आ गया 1:3। ओके ये कैसे कैलकुलेट किया है वो कंफर्म कर दो एक्चुअली। ओके वहाँ पर उन्होंने क्या बताया हमें, द टोटल सेल्स इतना दिया हुआ 8 लाख रुपीज़ है अरोज इवनली पर मंथ अप टू सितंबर, मतलब सितंबर 30 सितंबर तक वो एक्चुअली इवन है, मतलब एवरेज है। ओके एंड वेयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3, इंक्रीज ऑफ 2/3 मतलब 2/3 नहीं है वहाँ पर सेल्स, वहाँ पर सेल्स 2/3 नहीं है तो इंक्रीज ऑफ 2/3 है, जो ओरिजिनल है उसमें 2/3 इंक्रीज हुआ है। तो ओरिजिनल हमने कितना कंसिडर किया है, ओरिजिनल हमने 1 कंसिडर किया है, ओके ओरिजिनल 1 कंसिडर किया है, इसमें 2/3 इंक्रीज होगा, 2/3 मतलब कितना इंक्रीज होगा, तो 1 के 2/3 इंक्रीज होगा, 2/3, तो 1 के 2/3 मतलब इतना इंक्रीज होगा, तो इतना टोटल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके 1.67 आ रहा है। ओके मैंने जो न्यूमेरेटर और डिन्यूमेरेटर करके लिखा था ना, वो भी हम लिख देंगे ना तो भी एक्चुअली वैसे सेम ही आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 5/3 आ रहे थे ना, हमारा आंसर कितना आया था 5/3, तो सभी जगह पर ये 5/3 हम लिख देंगे ना यहाँ पर, तो इसका हम डे ऊपर वाला टोटल कर दो, ऊपर वाला टोटल कितना आता है 30 आ रहा है, ऊपर वाला टोटल आ रहा है 30 और नीचे वाला टोटल कर दो, सॉरी नीचे वाला टोटल नहीं होगा, ये हम टोटल कर रहे हैं ना न्यूमेरेटर और डिन्यूमेरेटर है, नीचे वाला डिन्यूमेरेटर हमारे इक्वल है 3 है, तो हम वो एज इट इज हम 3 लिख देंगे। ओके तो यहाँ पर आंसर वो 10 ही आएगा, 10/3, तो 10 ही आंसर आएगा, ये 10 आंसर आ गया। ओके 10 आंसर आ रहा है। ओके तो सेम अपन ये मल्टीप्लाई करूँ जरिए काट ले, ये जो मल्टीप्लाई किया तो भी 10 ही आंसर आता है, और ये डिवाइड करके भी निकाला तो भी 10 ही आंसर आता है। ओके तो 10 और ये दो महीने हमने उसमें ऐड करने के, अगस्त और सितंबर, तो वो पूरा ऐड करके हमारा सेल्स रेशियो आ जाएगा 4:12, मतलब सेल्स रेशियो हमारा है 1:3। ओके ये हमारा सेल्स रेशियो हो गया। ओके अभी देखते हैं उसमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया, ऑफिस रेंट वॉज पेड 8,400 पर एनम अप टू 30 सितंबर 2017, देयर आफ्टर इट वॉज पेड एट 10,800 पर मंथ पर एनम। ओके तो पर मंथ कितना रहेगा, 8,400/12 इतना पर मंथ रहेगा। ओके एक्चुअली ऑफिस रेंट का एक्चुअली सेम ही एडजस्टमेंट है, देखो ऐसे मंथ में ही लिखना पड़ेगा हमें। ओके और अगस्त से यही स्प्लिटिंग पॉइंट हमारा रहेगा। ओके यही एक्चुअली सेम स्प्लिटिंग पॉइंट रहेगा एक्चुअली। ओके तो पहले देखते हैं एक्चुअली कितना, 8,400 पर मंथ मतलब पर एनम है, मतलब डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो 700 पर मंथ है। ओके तो ये 4 इसको 700 पर मंथ हो गया, और यहाँ पर आगे कितना है 10,800 पर मंथ है, तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो पर मंथ आ रहे 900, तो ये सभी जगह मेंशन कर दो, तो इतना 900 पर मंथ रहेगा, तो 700 × 4, 700 × 4 ये हमारा हो गया प्री आ गया, और पोस्ट में कितना आ रहा है 900 × 8, तो ये 7,200 रुपीज़ आ रहा है, तो ये आप टोटल का भी कर दोगे 7,200 + 2,800, तो वो टोटल आ रहा है 10,000, और हमने रेंट देखो हमने रेंट रेंट कितना दिया हुआ है हमें प्रॉब्लम में, ऑफिस रेंट 9,600। सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस 2,800 यहाँ पर 10,000 आ रहा है। सॉरी अप टू सितंबर तक एक्चुअली 8,400 है, सितंबर तक 8,400 है, तो यहाँ पर ये दो जगह पर भी ये इतना आएगा आएगा एक्चुअली। ओके तो ये डेबिट का इतना ही रहेगा एक्चुअली 2,800, लेकिन क्रेडिट का एक्चुअली चेंज हो जाएगा, 400 चेंज हो जाएगा लगता है, क्रेडिट का हो जाएगा 900 × 6 प्लस 700 × 2, तो ये दोनों का टोटल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6,800, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,800। ओके ये दोनों का टोटल कर दो तो वो आ जाएगा एक्चुअली 9,600 रुपीज़। ओके 9,600 रुपीज़, 9,600 इतना टोटल हो जाएगा।
ओके तो इतना हम डायरेक्टली हम मेंशन कर देंगे जब हम आंसर लिखेंगे, तो 2800 एंड 6800 ये डायरेक्टली हम मेंशन कर देंगे। हाँ अभी बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 1600 टूवर्ड द सेल्स प्रमोशन, बैलेंस ऑफ द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स इन नेचर, तो 1600 हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बैलेंस हम फिक्स इन नेचर है तो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके तो हम जब आएगा तभी हम मेंशन कर देंगे। ओके नेक्स्ट बैड डेट्स दिया हुआ है 400, वेंडर से लिया हुआ है तो वेंडर रिलेटेड हम प्री में मेंशन कर देते तो 400 प्री में चला जाएगा, और डेप्ट ऑफ 800 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन सितंबर, तो ये सितंबर रिलेटेड है तो 800 हम सितंबर रिलेटेड मतलब वो पोस्ट में चला जाएगा क्योंकि 1 अगस्त तक हमारा प्री पीरियड है, तो सितंबर मंथ हमारा क्या चला जाएगा एक्चुअली पोस्ट में चला जाएगा, तो ये प्री में जाएगा ये पोस्ट में आएगा। ओके तो यहाँ पर एक्चुअली बैड डेप्स एक्चुअली रिलेटेड टू वेंडर कितना है, रिलेटेड टू वेंडर है 400। ओके तो प्री पीरियड में भी 400 चला जाएगा, पोस्ट में 0, एंड सितंबर का एक्चुअली यहाँ पर मंथ्स के कुछ तो 17 है। ओके तो यहाँ पर ये 800 है, प्री में 0 और पोस्ट में 800। ओके तो इतना एक्चुअली हो जाएगा, ओके 1200 टोटल रहेगा और यहाँ पर ये 400 और 800 है। ओके देखते हैं बैड डेब्ट्स 1200 है टोटल, 400 प्री में जाएगा, पोस्ट में 800 जाएगा। नेक्स्ट, चिन्मय एग्री टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड, ओके मतलब जो ऑडिट की जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है ना वो एक्चुअली पूरे साल के लिए, मतलब कंपनी को तो ऑडिट कंपलसरी रहता है और चिन्मय भी रेडी हो गया ऑडिट करने के लिए, तो चिन्मय का जो पीरियड था वो भी एक्चुअली रेडी हो गया, मतलब वो पूरे ईयर का ऑडिट स्टेटमेंट हमें ऑडिट एक्चुअली फी पे करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो ऑडिट का जो फी है टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट, उन्होंने दिया डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर द एसेट एक्वायर इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जो 600 के एसेट है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हमारी परचेस की हुई है, तो 600 का पोस्ट में जाएगा और रिमेनिंग है वो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके सेम जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था वैसा ही है, और लास्ट है एलोकेट अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। ओके वो तो हम पहले हमने डिसाइड कर दिया, जनरल कौन सा लॉजिक हम यूज़ करेंगे वो हमने पहले डिसाइड कर दिया था। तो अभी डेप्रिसिएशन देखो, टोटल डेप्रिसिएशन लगता है 2100 है, टोटल डेप्रिसिएशन 2100। ओके पोस्ट में 600 जाएगा और टाइम रेशियो में 1500 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके तो इस हिसाब से हमारा ये डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हो जाएगा। अभी देखते हैं हम प्रॉब्लम यहाँ पर अभी सॉल्व करते हैं। ओके फर्स्ट दिया ऑफिस सैलरीज, ओके तो टू ऑफिस सैलरीज आई थिंक ये सेम ही है लगता है, ये मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ एज इट इज़, वो सेम ही प्रॉब्लम है एक्चुअली, सिर्फ अमाउंट एक्चुअली डिफरेंस है और सम एडजस्टमेंट थोड़े बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। ऑफिस सैलरी हमारा टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल कितना है 24,000 है और टाइम रेशियो कितना है हम यहाँ पर एक्चुअली मेंशन कर देते हैं, टाइम रेशियो कितना है, टाइम रेशियो 1:2। ओके टाइम रेशियो यहाँ पर मेंशन कर देते 1:2 है और सेल्स रेशियो कितना है, सेल्स रेशियो है 1:3, तो सेल्स रेशियो भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1:3। ओके तो टाइम रेशियो 1:2 है और टोटल एक्सपेंसेस कितना है 24,000, तो डिस्ट्रीब्यूट करते समय 24,000 डिवाइड बाय 3 टोटल ऑफ रेशियो 1+2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 फॉर प्री पीरियड। ओके और पोस्ट में कितना आएगा 24,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 फॉर पोस्ट पीरियड, तो ये टोटल हो गया 24,000। उसके बाद में ये चिन्मय सैलरी है, ओके चिन्मय सैलरी है, ओके चिन्मय सैलरी वो पूरा प्री में आ जाएगा। ओके रिलेटेड टू वेंडर है 2000 रुपीज़, ओके पोस्ट में 0। ओके उसके बाद में दिया हुआ है एडवर्टाइजिंग 18,000, वहाँ पर सेल्स रेशियो आ जाएगा, सेल्स रेशियो, ओके एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो, एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो कितना है 18,000 दिया हुआ है, तो 18,000 डिवाइड बाय सेल्स रेशियो 4 है डिवाइड बाय 4 टोटल आ रहा है 4 इंटू 3 इंटू 1 फॉर प्री पीरियड, और यहाँ पर आ जाएगा 18,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 फॉर पोस्ट पीरियड, ओके 13,500 टोटल देख लो आ रहा है, टोटल 18,000 और हमारा एक्सपेंसेस भी 18,000 ही था। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500 है, ओके 1,500 हमारा टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टोटल कितना दिया हुआ है 1,500, तो डिस्ट्रीब्यूट करते समय 1,500 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, ओके प्री पीरियड में सेम 1,500 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 पोस्ट पीरियड में 1,000, ओके टोटल 1,500 हो गया। उसके बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे एक एडजस्टमेंट है 1,600 रिलेटेड टू सेल्स प्रमोशन, तो वह सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रिमेनिंग टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो 1,600
ओके, सेल्स रेशियो में 1600 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो सेल्स रेशियो है 1600 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, ओके, एंड 1600 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो ये 400 एंड 1200 आ जाएंगे, ओके, सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1600 सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और रिमेनिंग अभी 1600 माइनस कर दिए तो रिमेनिंग बचे एक्चुअली, ओके, रिमेनिंग बचे यहाँ पर रिमेनिंग निकाल के लेते हैं 4000 माइनस 1600 तो आ रहे 2400, 2400 टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 2400 डिवाइड बाय 3, ओके, रेशियो की टोटल 2 प्लस 1 3 इंटू 1, प्री पीरियड का रेशियो है 1 तो इसके वजह से इंटू 1, और सेम 2400 डिवाइड बाय 3 रेशियो की टोटल इंटू पोस्ट पीरियड का रेशियो 2, ओके, तो ये आ जाएगा 2400, ये चारों की कभी टोटल कर देंगे तो आ जाएगी 4000, हमारे टोटल एक्सपेंसेस थे 4000, ओके। नेक्स्ट ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट के लिए एडजस्टमेंट एक्चुअली वर्किंग नोट यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, वर्किंग नोट नंबर 3, 2800 एंड 6800, ओके, 2800 एंड 6800, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है इन दोनों की टोटल 9600 हो गए ना, हो गए। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5100, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेशियो कौन सा आएगा, टाइम रेशियो आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टोटल एक्सपेंसेस है 5100, तो 5100 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 फॉर प्री पीरियड, और सेम कितना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5100, तो 5100 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 फॉर पोस्ट पीरियड, ये टोटल आ गया 5100, ओके। उसके बाद में डायरेक्टर्स फी, ओके, डायरेक्टर्स फी यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्टर्स फी, ओके, डायरेक्टर्स फी पोस्ट में ही ट्रांसफर होगा, प्री में नहीं ला जाएगा, पोस्ट में कितना ट्रांसफर होगा, डायरेक्टर्स फी 1200, ओके, 1200 पोस्ट में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है ऑडिटर्स फी, ऑडिटर्स फी है 600 रुपीज़, वो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओके, ओके, ऑडिटर्स फी टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ पर ऑडिटर्स फी टाइम रेशियो आ जाएगा, कितना है टोटल 600 रुपीज़ है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते समय 600 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, ओके, एंड 600 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 400, तो ये आ जाएगी 400 इज इक्वल टू 600, ओके। उसके बाद में दिया है बैड डेट दिया है 1200, उसके लिए वर्किंग नोट है एक्चुअली, वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर किए हुए है 4, वर्किंग नोट नंबर 4, ये प्री में जाएगा 400 और पोस्ट में जाएगा 800, ओके, प्री में 400 और पोस्ट में 800, ओके। नेक्स्ट सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन आ जाएगा सेल्स रेशो, ओके, सेल्स रेशो आ जाएगा सेल्स कमीशन, टोटल अमाउंट कितना है सेल्स कमीशन 7000, 7000 डिस्ट्रीब्यूट के लिए रेशो कौन सा है 1:3, सेल्स रेशो 1:3, ओके, टोटल अमाउंट है 7000, तो 7000 डिवाइड बाय 1:3 मतलब 4 इंटू 1, ओके, एंड 7000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो 5250, 1750 एंड 5250 आ रहा है टोटल 7000, ओके, ये आ गया सेल्स कमीशन। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो तो पोस्ट में जाएगा 2000 रुपीज़, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डायरेक्टली पोस्ट में जाएगा, प्री में नील होगा और पोस्ट में अमाउंट आ जाएगा 2000, ओके, पोस्ट में अमाउंट आ जाएगा 2000, ओके। नेक्स्ट आई थिंक डिबेंचर इंटरेस्ट ही है, डिबेंचर इंटरेस्ट 2300, ये भी पोस्ट में जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट, ओके, ये भी डायरेक्टली पोस्ट में जाएगा, प्री में नील और पोस्ट में कितना अमाउंट है डिबेंचर इंटरेस्ट 2300, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 800 रुपीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक्चुअली वेंडर्स रिलेटेड है, तो टोटल एक्चुअली प्री में चला जाएगा, प्री में 800 और पोस्ट में 0, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए हमने वर्किंग नोट एक्चुअली प्रिपेयर किया हुई है, वर्किंग नोट नंबर कितना है 5 है क्या 4 है, ओके, ये 5 है एक्चुअली, वर्किंग नोट नंबर 5, ओके, डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 5, ओके। तो पोस्ट पीरियड में कितना जाएगा वो हमने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, पोस्ट में जाएगा 600 एंड प्री में सॉरी टाइम रेशियो में 1500, ओके, पोस्ट में जाएगा 600, 0 और 600,
और टाइम रेशियो में 1500, तो 1500 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, ओके, यहाँ पर 1500 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ओके। तो इस प्रकार से एक्चुअली आएगा डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड को हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा रेशियो यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेल्स रेशियो, ओके, सेल्स रेशियो 1:3, ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल है 1 लाख, ओके, तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 इंटू 1, 25,000, और सेकंड पीरियड को जाएगा 75,000, कैलकुलेट करके देखो 75,000 आ जाएगा इंटू 3 करोगे तो, ओके। और एक बचा है लास्ट एक्चुअली, बाय शेयर ट्रांसफर फी रिसीव्ड, बाय शेयर ट्रांसफर फी रिसीव्ड, ओके, तो उसका आ जाएगा पोस्ट में, क्योंकि शेयर से रिलेटेड है तो पोस्ट में जाएगा, प्री में नहीं, और पोस्ट में 2000। और यहाँ पर एक्चुअली कंप्लीट हो गया, अभी देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है, दोनों साइड का एक्चुअली टोटल करके देखते हैं। ओके, और ये सेम एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं, दोनों प्रॉफिट आ रहा है एक्चुअली, ओके, ये जो है ₹25,000 और ₹77,000, ओके, दोनों प्रॉफिट आ रहे हैं, तो प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे, प्री का प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो जाएगा, ओके, और पोस्ट का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ओके। तो प्री का प्रॉफिट अभी कितना आता है देखते हैं एक्चुअली, 25,000 माइनस, तो 650 प्री का प्रॉफिट आ रहा है, और पोस्ट का प्रॉफिट आ रहा है 77,000 माइनस इतना, ओके, तो ये पोस्ट का प्रॉफिट आ रहा है, ओके। तो इसी हिसाब से हमारा प्री का प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर हो जाएगा, और पोस्ट का प्रॉफिट हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे, ओके। ठीक है, एक्चुअली लास्ट जो प्रॉब्लम था वैसे ही सेम प्रॉब्लम है एक्चुअली, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन अमाउंट कुछ डिफरेंस थे। लास्ट प्रॉब्लम में हमारा लॉस आया था प्री का, ये प्रॉब्लम में हमारा प्रॉफिट आ गया एक्चुअली, ओके। थोड़े बहुत चेंजेस किए थे एक्चुअली प्रॉब्लम में, लेकिन एक सेल्स का एडजस्टमेंट जो था वो अलग था एक्चुअली, सेल्स रेशियो निकालने के लिए एक्चुअली अलग टाइप की एडजस्टमेंट थी, तो उस हिसाब से हमने सेल्स रेशियो हमने निकाला था, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लमला अपन कंटिन्यू करूया, नेक्स्ट अपन प्रॉब्लम घेऊया, बॅलन्स शीटवाला आपण एक प्रॉब्लेम आपण बघूया। नॉर्मली बॅलन्स शीटवाले प्रॉब्लेम हल्ली येत नाही, बॅलन्स शीटवाले प्रॉब्लेम ॲक्च्युली कमी येते, लेकिन ॲक्च्युली अभी 20 मार्क्स का पॅटर्न हो गया है, तो 20 मार्क्स के पॅटर्न में बॅलन्स शीटवाला भी प्रॉब्लेम आ सकते ॲक्च्युली, ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बॅलन्स शीटवाला प्रॉब्लेम देखेंगे, और बॅलन्स शीटवाला जो प्रॉब्लेम रहेगा तो उसकी जो बॅलन्स शीट रहेगी वो कंपनी की बॅलन्स शीट रहेगी, वर्टिकल फॉर्मेट वाली बॅलन्स शीट रहेगी, एज पर द रिवाइज शेड्यूल 3 जो बॅलन्स शीट रहती है वो हम बॅलन्स शीट अपन प्रिपेयर कर देंगे वहाँ पर, ओके। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए वहाँ पर एक्चुअली बैलेंस शीट के लिए कुछ इतना जो ओल्ड बैलेंस शीट रहेगी ना उस वैसे ही तैयार होगी, उसमें शेयर कैपिटल में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, ओके, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है उस टाइप के एक्चुअली प्रॉब्लम में, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, बाकी की सभी चीज़ें तो सेम ही रहती है, मतलब एसेट में खाली डेप्रिसिएशन रहेगा तो वो एक्चुअली मेंशन होगा, नहीं तो बाकी की सभी चीज़ें एक्चुअली सेम ही रहेगी, बाकी की चीज़ों में कुछ डिफरेंस नहीं आता है, ओके। तो देखते हैं हम फाइनल अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस रहेगा वहाँ पर, तो कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे, तो ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं रहते एक्चुअली, ओके, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले एडजस्टमेंट ही ज़्यादा रहते हैं, ओके, तो वो ड्यूअल इफेक्ट वाले एडजस्टमेंट कम रहते हैं, ओके, इन्फॉर्मेशन वाले एडजस्टमेंट रहते हैं, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, कुछ डिफिकल्टी रहेगी तो आप पूछ सकते एक्चुअली, नहीं तो YouTube का जो चैनल अपलोड कर रहा हो तो वहाँ पर भी आप कमेंट दे सकते हो, तो कमेंट देंगे तो मैं उस पर एक्चुअली कुछ सॉल्यूशन रहेगा तो आपको बता दूंगा, ओके, थैंक यू।